हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और चलिए देखते हैं वीडियो को। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं, इनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? झांसी में, और झांसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य साकेत किसके द्वारा रचित है? तो जो साकेत महाकाव्य है, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका नाम है हरिओत, और इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है आजमगढ़ में, और कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, 1865 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी में, और कब हुआ था, 1889 में। महादेवी वर्मा के कविता संग्रह है, तो महादेवी के जो कविता है इनका नाम है निहार, रश्मि, नीरजा, सांगीत, यामा और दीपशिखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये जो पुरस्कार इनको मिला था, ये मिला था गीतांजलि पे। किस पे मिला था? गीतांजलि पे। कई बार क्वेश्चन आता है कि गीतांजलि किसकी रचना है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की, और इसी रचना की वजह से इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। सीखने की अवधि, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है, तो वो कहलाती है सीखने का पठार। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? तो ये किया था स्किनर ने। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया थार्नडाइक ने। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स का। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था डेनियल गोलमैन ने। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका, बुद्धि का। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है गैसल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना के केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये किया है क्रेशमन ने। और किन ग्रंथियों के आधार पर? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है स्पीयरमैन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना होती है मध्य किशोर अवस्था में। सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इनका नाम था कोहलर। सूर्य द्वारा सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो इनका नाम था कोहलर। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।